हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे मैंगो मस्तानी। दिखने में जितना ब्यूटीफुल है, इसका टेस्ट भी उतना ही लाजवाब है। तो ऐसे टेस्टी मैंगो मस्तानी के लिए यहाँ पे मैंने आम लिए हैं। आप कोई भी आम ले सकते हैं, पके हुए आम लेने हैं। मैं इसमें से 1/2 kg आम का यूज़ करूँगी। उसके अलावा ड्राई फ्रूट में मैंने काजू, पिस्ता, बादाम और चेरी का यूज़ किया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने एक बाउल लिया है, मैंने मैंगो को पहले अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद इस तरीके से काट कर इसके अंदर का मैं पल्प निकाल लूँगी। आप आम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस मीठे होने चाहिए और अच्छे से पके हुए होने चाहिए। अब मैं इस तरीके से काट कर इसके अंदर का पल्प निकाल रही हूँ। आप जिस तरीके से आपको पल्प निकालना आसान लगता है, उस तरीके से आप पल्प निकाल लीजिएगा। इस तरीके से मैंने अराउंड 1/2 kg आम का पल्प निकाल लिया है। ये मैंगो मस्तानी पुणे का बहुत ही फेमस मिल्क शेक है। ये एक थिक मिल्क शेक है। इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है और ये बहुत जल्दी बनता है। विद इन 10 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है। अभी इस तरीके से मैंने सारे पल्प निकाल लिए हैं। निकालने के बाद आप चाहो तो डायरेक्टली मैंगो का जो पल्प होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक मिक्सी का जार लिया, उसके बाद मैंने जितने भी आम निकाले उनको मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अराउंड 3 टीस्पून का यूज़ किया। अगर आम ज़्यादा मीठे हैं तो आप कम भी कर सकते हो या बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फुल फैट मिल्क 1 ग्लास मैंने यूज़ किया है और वो भी एकदम ठंडा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वैनिला आइसक्रीम अराउंड 2 स्पून, बड़े स्पून जितना। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लियो। आप देख सकते ये एकदम थिक है और बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अभी मैंने लिया एक सर्विंग ग्लास लेकर अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ आम के क्यूब्स। उसके बाद मैं डाल रही हूँ उसमें वैनिला आइसक्रीम। ये होममेड वैनिला आइसक्रीम है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहो तो चेक कर लेना। अब मैं डाल रही हूँ मैंगो का पल्प डालकर उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले मैंने डाला है काजू, बादाम, पिस्ता, फिर उसके बाद कुछ आम के क्यूब्स डालकर अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम और थोड़ा सा पिस्ता और ऊपर एक चेरी। बस हमारा बहुत ही टेस्टी मैंगो मस्तानी बनके रेडी है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।